देखो, अगर आपका बजट 4 लाख से लेकर 7 लाख के बीच में है, लेकिन आपको एक अच्छी लुकिंग वाली कार चाहिए, इंटीरियर में आपको अच्छे खासे फीचर्स चाहिए, तो आप लोगों के लिए काफी बड़ी गुड न्यूज मैं लेकर आया हूँ। क्योंकि इस 19 तारीख को एक न्यू कार इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है और उसके बाद एक न्यू माइक्रो एसयूवी कार भी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। रिसेंटली हुंडई कंपनी ने अपने अपकमिंग एसयूवी कार का नामकरण कर दिया है, यानी इसका नाम रिवील हो चुका है और हुंडई ने अपने अपकमिंग एसयूवी कार का नाम रखा है एक्सटर। हालांकि ये नाम सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन फाइनली हुंडई की अपकमिंग कार का नाम रिवील हो चुका है। इस कार के अलावा एमजी कंपनी 19 तारीख को कॉमेट नाम की एक कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी, जो कि सीधा कम्पीट करेगी टाटा पंच के साथ। तो इस सेगमेंट के अंदर आपको दो नई कार देखने को मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि एमजी की कॉमेट एक इलेक्ट्रिक कार होने वाली है, तो इस कार का मुकाबला टाटा पंच के साथ कैसे होगा? तो आपको बताना चाहूंगा, टाटा पंच का भी ईवी मॉडल इसी साल इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है, तो यहाँ पर एमजी की कॉमेट ईवी टाटा पंच के ईवी के साथ कंपीट करने वाली है। इसके अलावा हुंडई की जो माइक्रो एसयूवी कार रहेगी वो टाटा पंच के पेट्रोल मॉडल के साथ कंपीट करेगी, तो यहाँ पर मुकाबला आपको काफी ज्यादा टफ देखने को मिल जाएगा। हालांकि टाटा पंच इस सेगमेंट के अंदर राज कर रही है और हर महीने टाटा पंच के 10,000 कभी 11,000 यूनिट बिक जाते हैं आराम से। अब ये आने वाला समय बताएगा कि हुंडई की ये माइक्रो एसयूवी कार इसके अलावा एमजी की कॉमेट ईवी टाटा पंच को टक्कर दे पाती है कि नहीं। अगर मैं हुंडई की इस माइक्रो एसयूवी कार की बात करूं तो ये एक कंप्लीटली नया प्रोडक्ट रहेगा हुंडई की तरफ से, जो कि एंट्री लेवल सेगमेंट के अंदर बिकने वाला है और इस कार को आईटेन नियोस के प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्डअप किया जाएगा। हालांकि इस कार के अंदर 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन दिया जाएगा और ये कार लगभग 82 bhp की पावर आउटपुट और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेगी। यहां पर आपको अच्छा खासा पावर आउटपुट मिलेगा, टाटा पंच के अंदर भी लगभग सेम पावर आउटपुट मिल जाती है। हुंडई के इस माइक्रो एसयूवी कार का लुक कंप्लीटली नया रखा जाएगा। इस कार के अंदर नए ग्रिल का यूज किया जाएगा, हैलोजन हेडलैम्प का ऑप्शन दिया जा सकता है, LED DRL का सेटअप भी हमें देखने को मिल जाएगा, फ्रंट के बम्पर्स और रियर के बम्पर्स थोड़े से स्पोर्टियर रखे जा सकते हैं। टॉप मॉडल के अंदर हुंडई कंपनी अलॉय व्हील का ऑप्शन दे सकती है और रियर के प्रोफाइल में LED टेल लाइट का ऑप्शन भी दिया जा सकता है। तो ये सब कुछ चीजें हमें हुंडई की अपकमिंग माइक्रो एसयूवी कार के एक्सटीरियर में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इस कार का इंटीरियर भी काफी बेहतरीन होने वाला है। इस कार के अंदर आपको बड़ा सा टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन हुंडई कंपनी इस कार के अंदर ऑफर करेगी और भी ढेर सारे फीचर्स आपको हुंडई की इस कार के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसकी कीमत कितनी रहेगी, इसको कब लॉन्च किया जाएगा, उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जो सेकंड नंबर की कार है एमजी की कॉमेट, इस कार के अंदर दो बैटरी बैकअप का यूज किया जाएगा। पहली बैटरी बैकअप रहेगी 17.3 किलोवाट आवर की और इस बैटरी बैकअप के साथ आपको 200 किलोमीटर तक की रेंज मिलने वाली है, यानी एक सिंगल चार्ज में इस बैटरी बैकअप के साथ आप 200 किलोमीटर तक जा सकते हैं आराम से। दूसरा बैटरी बैकअप रहेगा 26.7 किलोवाट आवर का और इसके साथ आपको लगभग 300 किलोमीटर तक की रेंज मिलने वाली है। तो डेफिनेटली भाई ये एमजी की कार आने वाले समय में तबाही सी मचा देगी इलेक्ट्रिक सेगमेंट के अंदर, लेकिन इस कार का इंटीरियर काफी बेहतरीन रखा जाएगा। इसके अंदर 10.25 इंच का बड़ा सा टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा, मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन आपको मिलेगा, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल ऑफर किया जाएगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग और भी ढेर सारे फीचर्स आपको एमजी की कॉमेट इस इलेक्ट्रिक कार के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं लॉन्चिंग की बात करूं तो एमजी की कॉमेट को इस 19 तारीख को लॉन्च किया जाना है, लेकिन इसका प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसके डिलीवरीज भी इसी महीने से स्टार्ट हो जाएंगे और इस कार को आप फिलहाल के लिए बुक कर सकते हैं। इस कार की कीमत लगभग 7 या फिर 8 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस आपके हिसाब से इस कार की कीमत कितनी होनी चाहिए कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वही जो हुंडई की माइक्रो एसयूवी कार रहेगी उसको इसी महीने रिवील किया जाएगा और अगले महीने उसको इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। इस कार की कीमत 5 या फिर 6 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। यहाँ पर हुंडई के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर हुंडई कंपनी इस कार को अट्रैक्टिव प्राइसेस के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च करती है तो डेफिनेटली तभी जाकर ये कार टाटा पंच को हरा पाएगी, नहीं तो टाटा पंच इस कार को पूरा का पूरा खा जाएगी। इसके बारे में आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और हाँ, ये वीडियो उन दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको आने वाले समय में 5 लाख से लेकर 7-8 लाख के बीच में एक नई कार लेनी है और वो लोग किसी नई कार का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उनको भी पता चले कि इस प्राइस रेंज में 2 न्यू कार इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।